तुम जानती हो सम्राट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने उनमें वो जीवन साथी देखा है जिनके बारे में हमने हमेशा कल्पना की थी, हमेशा वैसा ही सोचा था। शादी जो है ना एक नंबर की यूजलेस चीज है, लेकिन है कंपलसरी। तो सोचा चलते चलते एक काम भी निपटाते चले और फिर ये इनकी चिक चिक बंद हो जाएगी ना, बहू ले आओ बहू ले आ जाएगी, चुप हो जाएंगे, काम देने में ध्यान दे पाऊंगा मैं। त्रिशा तुम जानती हो उनकी घर की चमक दमक ने हमें कभी आकर्षित नहीं किया, हमने तो हमेशा उनमें जिनके बारे में हमने हमेशा कल्पना की थी जो कि उनमें है, और हम जानते हैं कि वो तुम्हारी उर्मी से बहुत प्यार करेंगे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हमें पूरा विश्वास है सम्राट जी हमारे विश्वास और हमारे सपनों को कभी नहीं टूटने देंगे। बात बताओ, ये लंदन में तो लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती होगी, गोरी गोरी चमड़ी वाली, सुनहरी जुल्फों वाली, रोज रोज बदल बदल के ऐसा करते हो तुम? करते नहीं करते, पता बता दो यार। साल हो गए हम लोग को स्कूल छोड़े हुए, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग जरा से भी नहीं बदली है। अरे मेरी थिंकिंग नहीं, तुम्हारी थिंकिंग बदल गई है, तुम बदल गए हो। पता होता ना तो वहीं से तेरे लिए फिरंगल लेके आता। I'm really sorry कि मैंने तुम्हारे होने वाले उन पे मैंने शक किया। लेकिन उनसे एक बात कह देना, अगर उन्होंने तुम्हें तंग किया ना तो ये साली यहाँ बैठी है उनकी खबर लेने के लिए। अरे हाँ भाई, बिल्कुल हक बनता है तुम्हारा, साली हो तुम उनकी। और वैसे भी तुम्हारी और भी जितनी भी कंप्लेन्स हो ना, तुम वो हमसे बता देना, हम अपने उनको बता देंगे। तो लिस्ट तो अभी से शुरू हो गई है मेरी। भाभी, पिटिया को नजर का काला धागा नहीं पहना ही हो? पहनो है जीजी, कमर में। कहाँ? अरे बहू, हल्दी ठीक से घुल गई? हाँ दादी, घुल गई। तो फिर हल्दी की रस्म शुरू करते, सब लोग आ जाओ इसे। हाँ हाँ, एक मिनट, सबसे पहले हल्दी हम लगाएंगे उर्मी दीदी को। अम्मा, ए मोड़ी, रुक रुक, सबसे पहले भाभी लगावेगी, भाभी छुआ ले फिर तू कर ले। हाँ ननंद रानी, हमारा हक ना मारो। अरे बेटा रस्म है, रुक जा, चलो बहू शुरू करो। जी आ
आ जाओ, अब तुम भी दीदी को लगा लो हल्दी। लगा दे मोड़ी। माँ जी, देवर जी आए तो रस्म शुरू करें ना, सब तैयारियाँ हो गई हैं। कोई सम्राट को तो बुलाओ, बहुत देर हो गई, अब तक तो हल्दी लग जानी चाहिए। हाँ, मैं बुलाती हूँ, मैं ईशान को बोलती हूँ। अरे ईशान बेटा, जाना सम्राट को बुला के ला, जा जा जल्दी जा। ओ भाई, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? जरूरी मीटिंग में जाना। हाँ ले जाओ चलो, आप लोग करिए डांस, मुझे जाना है, आप लोग करिए, आप करिए। अरे बोला मैंने नहीं। हाँ माँ। ओ बेटा, जी क्या, अब कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारी हल्दी है। हाँ माँ, मेरी एक मीटिंग आ गई है तो जाना पड़ेगा, सॉरी। ये आप लोग कर लीजिए प्लीज। हाँ नहीं नहीं बेटा, जी क्या, आज हल्दी की रस्म है, थोड़ी देर ठहर जाओ। नहीं माँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ, और भी तो जरूरी काम है मेरे पास। और ये रसम वसम में आप करिए खुद, मुझे मत शामिल करिए इसमें, मेरे पास टाइम नहीं है। भूल गया ना घड़ी? मुक्ते। हाँ भैया। इधर आओ, घड़ी लेकर आओ, ऊपर से टेबल पे पड़ी है, दौड़ के। आप लोग कंटिन्यू करिए ना ये सब। देवर जी, बिना आपके शामिल हुए ये रस्म पूरी हो ही नहीं सकती। हम लोगों का तो कोई काम नहीं इसमें आपके बिना। शादी है आपकी, हल्दी तो आपको लगवानी ही पड़ेगी। ये क्या करें आप? हल्दी? मैंने आपसे कहा हल्दी लगाने की, फिर आप क्यों लगा रही हैं? वो डू नॉट फोर्स एनी वन प्लीज। मैंने जब बोल दिया मुझे जाना है तो जाना है, नहीं लगवानी मुझे हल्दी वल्दी, सुन लीजिए सबके सब। मैं बिलीव नहीं करता इन सब में। और शादी हो रही तो क्या हुआ? शादी के लिए मैं अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। मुक्ति, गाड़ी में लेकर आओ घड़ी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये रस्म बहुत जरूरी है। हाँ मैं। हाँ बेटा, हल्दी और मंडप की रस्म के बाद घर से नहीं निकलो जाते हैं। वो कहते हैं ना, चांद और सूरज की नजर भी दूल्हे को लग जाती है। अच्छा, तो मतलब सूरज और चांद अपना काम छोड़कर मुझे नजर लगाने के लिए बैठे हैं? ये लड़का बाहर निकले, इसे नजर लगा देंगे हम। अब जाइए। मैम, को पता है मैं बिलीव नहीं करता हूँ सब चीजों में। ऐसा नहीं कहते सम्राट बेटा, ये रीति रिवाज किसी ना किसी वजह से बनाए गए हैं, और इन रस्मों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अच्छा, मतलब इन सब बातों के महत्व को बरकरार रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ के घर बैठ जाऊं मैं, ये चाहते हैं आप?
मुक्ति कहां मर गया बे? अरे यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इस दुनिया में तुम ही सबसे अनोखा काम करते हो। यार बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शादी करते हैं तो रस्म रिवाजों के साथ। अब शादी का दूसरा नाम ही रस्म रिवाज है कि नहीं? हाँ। यार इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती है? मैं समझना चाहता नहीं हूं ईशान। और प्लीज तुम शुरू हो जाओ, मुझे नहीं पढ़ना इन फालतू की ढोंग रस्मों में। सुना आपने? मुक्ति कहाँ रह गए यार? रहन दो ईशान, सम्राट ठीक कह रहा है। आजकल के जमाने में सबसे जरूरी होता है काम, बाद में सब कुछ। और जे रीत रिवाज रस्म ये तो सब होती रहती है, समय के साथ चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और वैसे भी आजकल के मॉडर्न जमाने में मानता कौन है इन रीति रिवाजों को? Thank God, कोई तो समझता मेरी बात को। सुन बेटा सुन, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, बस जाने से पहले ना जे दस्तूर के लिए टीका लगा जा। क्या है कि रस्म भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी नहीं रुकेगा। इतना तो करोगे ना अपनी माँ के लाने? अच्छा करिए जो करना, जल्दी करिए, टाइम नहीं है। अच्छा बहुत जल्दी से। अच्छा अरे आप लोग चुप कहाँ हो, बजाओ। चल 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 बेटा, सर पे हाथ रख ले। शाबाश, हो गया। हाँ। अरे दिखाओ मी, तुम्हारी तेली पे पूरा चंद बनता भी है या नहीं? अरे पा, तुम्हारी तेली पे तो पूरा चंद बन रहा है, इसका मतलब सीता जी तो बड़े हैंडसम होंगे। बहुत हैंडसम है। मेरी हथेली देखो ना, मेरी हथेली में चांद दिखता है। अरे देख तू मौसी, इसकी हथेली में चांद बनता है या नहीं? दीदी इसके लिए भी लड़का देख ही लो, बड़ी उतावली हुए जा रही है हमारा रिश्ता। हम भी यही सोच रहे थे कि लगे हाथ इसके हाथ ही पीले कर ही देते हैं। मम्मी सम्राट का तो कोई छोटा भाई नहीं है, अगर होता तो हम लगे हाथों इसका भी ब्याह कर देते। मौसी, हाँ? हमने ऐसा कब कहा? हम तो बस चांद देखना चाहते थे। और आप तो फिर नहीं ढूंढे हम तुम्हारे लिए लड़का? पक्का? ठीक है। अच्छा अभी सुनो 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 भाई, दुल्हन की जो हल्दी है ना उतारो और इसमें डाल दो। हाँ। ये हल्दी सम्राट के यहाँ जाएगी, उसे लगेगी। हाँ पर ऐसा क्यों? अभी तो इतनी मेहनत से हल्दी लगाई थी और अब निकाल दे बुआ। हे राम, अम्मा इसे समझाओ, हम जा रहे हैं चौके में, बहुत काम है। हाँ हाँ, हल्दी तो उतारनी ही पड़े है मोड़ी, ये हल्दी उर्मी के ससुराल जावेगी। हाँ दादी, लेकिन ऐसा होगा क्यों? क्योंकि उर्मी की उतरी हुई हल्दी वहाँ जाएगी और सम्राट को लगाई जाएगी, और सम्राट की उतरी हुई हल्दी यहाँ आएगी और उर्मी को लगाई जाएगी। बहू हल्दी उतरते ही गौरव को दे देना, वो लेकर जाए दामाद जी के वहाँ। जी माँ। जी, ये हल्दी सम्राट जी जो लगाएंगे? हाँ तो सम्राट को लगी हुई हल्दी उर्मी भी तो लगाएगी। मतलब ये कैसी रस्म है, कितनी अनहाइजीनिक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहे हैं बेटा, दो लोग जो एक होवे वाले हैं ना, जाको मिलाने के लाने जे रस्म की जावे है, इसका बहुत महत्व होवे है। ये रस्म मन ही मन में एक दूसरे के वास्ते प्यार और एहसास जगावे। ऐसे कैसे मन मिलेंगे? तू नहीं समझेगी, जब तेरा ब्याह होगा तब समझ में आवेगा। अरे तुम लोग बैठी कहाँ हो, चलो चलो जल्दी से नाच गाना करो। देख लो हमारी बन्नो रानी को, अपनी अलग ही दुनिया में विचरण कर रही है। चेहरे से ही लग रहा है जैसे मन में प्यार फूट फूट कर निकल रहा है। उफ़ मौसी, ऐसा मत कहो ना। क्यों उर्मी दीदी? थप्पड़ खाओगी? अरे बहू
तुम्हारे देवर हर रस्म के साथ ऐसा करेंगे तो आखिर कैसे चलेगा? अरे नहीं चाची जी, वो हर रस्म के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे नहीं भैया, मैंने जैसा आपसे कहा वैसा ही कीजिए, समझे ना आप? हाँ जी, लीजिए अपनी दवाई। शादी के माहौल में तो कम से कम खुद ले लिया कीजिए ना, इतना काम पड़ा है हमारा, और ऐसे में आप भी ना। ये सब जो हो रहा है ना ठीक नहीं है, सम्राट आबादी कर रहा है। जान दो ना, अब हम कर ही क्या सकते हैं। टीका तो लगा के गया है ना, वो रस तो हो गई है ना, और क्या चाहिए हमें, काहे को परेशान हो रहे हैं। एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो, क्यों बर्बाद करती जा रही हो उसे? आज तुम्हारी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गया कि किसी की नहीं सुनता, हर गलत बात पर उसका पक्ष लेती हो, और ये भूल जाती हो कि उसके साथ जुड़े और लोग भी हैं। उर्मी के घर से उसकी चढ़ी हुई हल्दी आएगी और वो सम्राट की हल्दी मांगेंगे, क्या कहोगे उन्हें कि हमारा बेटा इन रीति रिवाजों को नहीं मानता है? वो अब इन सब बातों के बारे में सोच सोच के ना आप परेशान मत होइए। देखिए, सम्राट को जो करना है वो करेगा, हम काहे विरोध करें। और अब जैसे जो चल रहा है ना, आप चलने दीजिए बस। आइए ना भैया, आइए। अम्मा जी, बहू जी के भाई आए हैं। आइए आइए। अरे गौरव भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया। वेलकम। आओ बेटा, बैठ। ये उर्मी की उतरी हुई हल्दी है और माँ ने सम्राट जी की हल्दी मंगाई है। बेटा हम तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे, उर्मी की हल्दी का इंतजार जो कर रहे थे हम सब। हाँ, हम अभी आपके घर में फोन करने ही वाले थे। सम्राट कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? वो अपने कमरे में है। क्या है कि सवेरे से रस्मों में लगा है ना, तो थोड़ा थक गया है, आराम कर रहा है। अब तो डबल रिश्तेदारी में आया है गौरव, सम्राट का साला हुआ और हमारा तो दामाद भी। वो क्या है कि भाई की बेटी का पति दामाद ही तो हुआ ना। अरे खड़ी क्या है, जा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आए इनके। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप परेशान मत होइएगा। नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हम भैया है। कैसे चल रहा है सब वहाँ? बस सब बढ़िया, शादी की तैयारियां चल रही है। और हमारी होने वाली बहू उर्मी कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक है जी। रस्म होती है सम्राट की हल्दी जानी है उर्मी के लाने, तुमने देखा ना कैसे सवेरे सवेरे सम्राट ने मना कर दिया। अब क्या करेंगे माँ जी, क्या कहेंगे उनसे कि देवर जी ने हल्दी लगवाई नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नया नया रिश्ता ढूंढने जा रहा है, कुछ तो करना होगा। ऐसे करते कि जी हल्दी भिजवा देते, कह देंगे सम्राट को लगी हुई है। अरे नहीं आंटी, ये तो बिल्कुल गलत होगा, सम्राट भी ना थोड़ी देर रुक जाता तो क्या हो जाता। और आप भी ना आंटी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था, रस्म इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं किसी भी तरह उसको रोकने की कोशिश करता। पर आंटी जो लोग इन बातों को मानते हैं ना, उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। क्या करें, तुम तो सम्राट को जानते हो, सुनता कहाँ है वो किसी की। माँ जी मैं ये लड्डू ले जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी बात मान, जे ही दे देते जी। हाँ आपने तो कहा था सम्राट भैया घर पे है, अब बहू जी के भाई सम्राट भैया से मिलना चाहते हैं। ये लो, आसमान से गिरे खजूर में अटके, अब एक झूठ बचाने के चक्कर में हजार झूठ बोलने पड़ेंगे। ये सम्राट भी ना इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन बहुत बड़ी परेशानी फंस सकता, देखना। ये क्या मुसीबत है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। ईशान बेटा तुम भी कुछ करके संभाल लो। देखता हूँ आंटी, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, अगर सम्राट नहीं सुधरा तो रोज ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, और आखिर कब तक उसकी गलतियों पर पर्दा डालेंगे? तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त कुछ भी करके तुम गौरव को संभाल।
रुकाओ ना। भैया ये मॉडल कंपाउंड आपके रास्ते में पड़ेगा ना? हाँ क्यों? एक्चुअली मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जाना है सर। चलो हल्दी। बुआ जी वो यहाँ आया हूँ तो सोचा कि सम्राट से मिल लूँ। सम्राट कहाँ है? बुला दीजिए ना। भैया आप यहाँ से डायरेक्ट घर ही जा रहे हो ना, तो मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी। आपके जाने पहचानी जगह मैं पहली बार जा रहा हूँ। हाँ हाँ चलते, एक बार सम्राट से तो मिल लूँ। आपको मॉडल कंपाउंड ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा।